गाइस कैसे वेलकम बैक टू अवर चैनल कूल बॉय सुगज। आज के इस वीडियो में हम वापस खेलने वाले डिस्ट्रक्शन एसएमपी सीजन 2। या पिछले वीडियो पे बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया, थैंक्स यार, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एंड या आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ओवर पावर्ड बनने वाले। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेरे पास डायमंड आर्मर आ चुका था, तो आज की इस वीडियो में हम नेदरराइट आर्मर करने वाले। एंड लास्ट में हम दो हार्ट्स भी इक्विप करने वाले एंड और एक सरप्राइज है एंड में, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो करते शुरू। तो डायमंड आर्मर पिछली वीडियो में बना ही लिया था, तो हमने सोचा माया नेदरराइट माइनिंग बाद में करेंगे, पहले फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करते, ब्लेज रॉक वगैरह कलेक्ट करते। तो हम निकल गए एक्सप्लोरिंग पे और हमें मुझे और आदि को मिल भी गई, तो आप खुद ही देख लो क्या हुआ वहाँ पे। फाइनली फोर्ट्रेस मिल गई और चलते अभी फोर्ट्रेस में। ये मिल गई एडवांसमेंट यार, अभी ब्लेज रॉड भी ले लेते और मिल गए एडवांस। तो फोर्ट्रेस एक्सप्लोर किया एंड फिर हम दूसरे दिन ही मिलते सीधे, ठीक है ना। दूसरे दिन जैसे ही मैं आया, मुझे पता चला कि हमारे बेस पे रेड हो गई, मिस्टर शॉट ने रेड कर दिए। एंड वहाँ पे तीन बंदे थे, डीलक्स, आदि और ड्रैगन। रेड होते ही डीलक्स के आठ चले गए, आठ थे उसके पास, वो भी चले गए और वो सीधे एसएमपी से बैन हो गए। आदि के भी दो आर्ट्स ले लिए थे मिस्टर शॉट सहलेंगे थोड़ा सा। एंड ड्रैगन सही टाइम पे भाग गया था वहाँ से, उसके आर्ट्स बच गए। एंड मैं तो उस टाइम खेल भी नहीं रहा था, मेरे तो एक भी आर्ट माइनस नहीं हुए। एंड फिर उसी दिन मैं रेड कराने चला जाता हूँ एंड वहाँ पे मैं मर जाता हूँ और मेरा एक आर्ट माइनस हो जाता है 10-11। पूरे दिन की एक्सप्लोरिंग के बाद हमें रिवाइव बुक मिलती है एंड हम डीलक्स को वापस से रिवाइव कर लेते। तो उसके बाद मेरा आर्मर में प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैं प्रोटेक्शन लगाता हूँ सभी में। सब में प्रोटेक्शन 3 थी, ठीक है ना, एक लेगिंग्स में प्रोटेक्शन 4 थी, तो मैं सीधे प्रोटेक्शन लगाता हूँ सभी आर्म। नाइस, फर्स्ट चेस्ट प्लेट पे नहीं, बूट्स पे लगाता हूँ। एंड ये रही प्रोटेक्शन 3 की बूट, प्रोटेक्शन 3 पहले से ही है तो 4 हो जाएगी। एंड मैं पूरे आर्मर का नेम रखने वाला हूँ कूल बॉयज नेवर डाइज, ठीक है ना। आई एम बिग फैन ऑफ टेक्नोब्लेड यार, ग्रिटल। आपने आईपिक्सल की सीरीज देखी होगी, मैंने उनके स्टैचू भी बने हैं, ठीक है ना, माइनक्राफ्ट की। तो ये अब लास्ट लेग इन रहा है, इसका भी नेम चेंज कर देते हैं। उसमें पहले से प्रोटेक्शन 4 थी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आर्मर में प्रोटेक्शन 4 लगाने के बाद मैं सीधे चला जाता हूँ नेदरराइट माइनिंग पे। आदि के एग्जाम चल रहे, तो नेक्स्ट मंथ से उसके चैनल पे भी वीडियो आएगी एसएमपी की, तो वो नहीं आया तो मैं अकेले चले जाता हूँ। एंड मैं करता हूँ नेदरराइट माइनिंग, फिर बंदा तो नेदरराइट आर्मर। आप खूब इतनी यार क्लिप्स देख लो वीडियो में। ओके, फर्स्ट नेदरराइट यार, मजा आ जाएगा। और ये एडवांसमेंट यार, बाकी सब मैं ना फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना। तो फाइनली सारा बन चुका है नेदरराइट इंगट, बनाने अब 5 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 5 बना लेता हूँ एंड अभी आर्मर फुली, ठीक है ना, आर्मर एंड एक स्वॉर्ड बनाऊंगा मैं, तो स्वॉर्ड पे शार्पनेस 5 पे, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग की है, ठीक है ना, विलेजर से शार्पनेस 5 की बुक ली है एंड स्वॉर्ड पे लगा दी। यार इतना प्रूफ देना पड़ता है, लोग क्रिएटिव करते हैं फिर, इसलिए प्रूफ देना पड़ता है। आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये किया। तो स्किन पता नहीं यार क्या ग्लिच हो रहा है यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी स्किन नहीं दिख रही। तो चलो फर्स्ट नेदरराइट आर्मर बनने वाला है एंड अभी एडवांसमेंट मिल जाएगी एक और, यार मजा आ जाएगा। कवर मींड एवरी स्लोल भाई, फाइनली। तो यार फुल्ली आर्मर को नेदरराइट मैंने कर दिया था एंड उसके बाद अभी मेन पार्ट, मैं मेरा सीक्रेट बेस बताने वाला हूँ। यार मैंने मेरे दोस्त आदि को भी नहीं बताया, तो अभी मैं वीडियो भी बताने वाला हूँ। वहाँ पे आप जो सामान देखोगे ना, आप खुद पागल हो जाओगे, लिटरल पागल हो जाओगे, इतना ग्रैंड किया मैंने। एंड वीडियो अभी एंड में हम दो आर्ट्स भी इक्विप करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर देना वीडियो को, लाइक एम करते हैं 50 लाइक, आई होप कंप्लीट करा दो यार। इस तक देख रहे हो तो यार कंप्लीट करा ही देना। तो अभी चलते हैं बिना टाइम वेस्टिंग उस पार्ट पे। गाइज आर यू रेडी, ठीक है ना, बेस है, मैं कॉर्ड साइड कर दूंगा, ठीक है ना, सारे वीडियो में कॉर्ड साइड करूंगा मैं। तो फाइनली ये देखो यार,
तीन तीन डायमंड के एनचांटेड आर्मर, ठीक है ना, तीन तीन एनचांटेड आर्मर वो भी। और देख लो भाई बहुत ग्राइंडिंग की है मैंने इसके लिए। एंड यहाँ बेस पे मत जाना, मैं डेकोरेशन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लिटरल बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ मैं डेकोरेशन में। एंड यहाँ पे एक एंड चेस्ट, नॉर्मल दो चेस्ट, डबल चेस्ट लगा रखे, दो दो क्राफ्टिंग टेबल, दो सोल फायर यार पता नहीं उसका नाम क्या है, एंड तीन आर्मर भाई, तीन तीन डायमंड आर्मर बैकअप। देखो यार कितना बैकअप लेके चलता हूँ। या फाइनली टाइम आ चुका है दो आर्ट से मेरे पास। एंड या टेन आर्ट से, इलेवन थे मैंने बता दिया क्या हुआ, तो ये फर्स्ट इलेवन आर्ट्स हो गए वापिस से। एंड ये सेकंड भी करता हूँ एंड फाइनली ट्वेल्व आर्ट्स यार। तो यार आज की छोटी छोटी में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कोई यूट्यूबर देखा कम्युनिटी पोस्ट है तो यार उसमें भी शेयर कर दो यार, सपोर्ट भाई एसएमपी के सपोर्ट करो, बहुत ही तगड़ी सीरीज आएगी एसएमपी में, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स है उनके भी चैनल में वीडियोज आएगी, आप देख लेना। एंड एसएमपी के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर देना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी वीडियोज़ की, हम शेयर करेंगे। एंड वहाँ पे आप भी आ सकते हो एसएमपी में, वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू मैं ही लूँगा, मैं यादी, तो वहीं पे इंटरव्यू देना होगा। अगर आपको आना है तो ज्वाइन कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।